ऑल राइट गाइस, सो क्वेश्चन आया है कि मैरिड वुमेन है और वो शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो क्या हमें शादी करनी चाहिए या नहीं? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिग नो। भैया मत करो, उड़ता हुआ तीर है, मत करो उड़ता हुआ तीर। ठीक है, अब आप देखो प्रोविजन समझो। पहली बात तो आप लीगली शादी कर ही नहीं सकते। ठीक है, लीगली शादी करने के लिए उसको पहले अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा, फिर आप शादी कर सकते हो। रही बात लिव इन की, आप लिव इन में रह तो सकते हो, बट लिव इन के लिए ना यार बहुत सारी कंडीशंस होती है। ठीक है, मतलब कंसेंट का ये सब, हालांकि कंसेंट हो जाएगी, लेकिन अब एक बताओ, जो वो अपने पति की नहीं हुई, इसकी क्या गारंटी है भाई वो बिना फेरे तुम्हारी हो जाएगी? जब वो फेरों के साथ उसकी नहीं हुई, तो बिना फेरों के तुम्हारी कैसे हो जाएगी वो? क्या गारंटी है कि तुम्हारे पास वो डिफीट नहीं करेगी? समझ रहे, जब वो 7 फेरों की नहीं हुई, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फेरों की नहीं हुई, तो तुम्हारी कैसे होगी? समझ रहे हो? हालांकि लॉ तो अलाउ करता है, ये है वो, पर हमारी तरफ से भाई बिग नो, मत करो, उड़ता हुआ तीर मत लो, कल को तुम्हें ही दिक्कत होगी। जो अडल्ट्री वडल्ट्री है ना यार, ये बड़ा बना तो दिया लेकिन प्रोविजन बड़ी दिक्कत है। ठीक है, कल को तुम, चलो आपको डार्क साइड बताता हूँ, तुमने उसके साथ रह लिए, ठीक है, कल को उसका माइंड बदल गया, बिगड़ गई, क्या करेगी पता है? रेप केस करेगी, सीधा सीधा रेप केस करेगी, जनरली करेगी। हालांकि वो बात अलग है, आप बच जाओगे लेकिन फंस तो जाओगे ना प्रोविजन में, एक बार तो आप अरेस्ट हो जाओगे, एक बार तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, एक बार तो बदनामी हो जाएगी। और इंडियन लॉ है, बहुत देर बाद डिसीजन आते हैं, उसकी भी क्या गलती है भाई, केस ही इतने क्या करें, उनको भी सबको सुनना पड़ता है, लेकिन दिक्कत होगी आपको। सो इससे अच्छा वो है भाई, वेट करो अपनी दूसरी शादी, मतलब करो, और मतलब सॉरी दूसरी शादी इन द सेंस भाई घर वालों की चॉइस से शादी करो, ये मैरिड वुमेन के चक्कर में ना पड़ो। यार तुम खुद सोचो, जब उसकी नहीं हुई वो पति की, तो तुम्हारे साथ कैसे होगी? अब वो स्टोरी सुनाती होगी कि भाई मेरा पति मेरे को ये करता है, वो करता है, मेरे को प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, मतलब जब, चलो मैं आपको ना एक वो बताता हूँ, डीप डीप मीनिंग। हम ना 11th 12th में पढ़ते थे, तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, प्रशांत नाम था उनका, तो उन्होंने ना एक बात समझाई, तो उसमें उन्होंने सब बताया कि जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत बार क्या होता है, हम ना किसी चीज़ को बात बता के फिर बोलते हैं भाई इसको किसी को बताना मत। जैसे मान लो मैंने अपना कोई राज बता दिया, और फिर मैं आपको बोलता हूँ भाई इसको किसी को बताना मत। अब यार आप ही बताओ, जब मैं खुद से ही नहीं बचा, मतलब छुपा पाया उससे, मैं मतलब अपने आप से ही नहीं, मतलब रोक पाया उसे, तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँ कि तुम उसको नहीं बताओगे? सिमिलरली भाई, वो अपने पति की नहीं हुई, तो तुम्हारी क्या गारंटी है बिना फेरों के वो तुम्हारी हो लेगी? हालांकि बहुत एक्सेप्शन केस में होता होगा, लेकिन भाई तुम एक्सेप्शन तो हो नहीं, ऐसा तो तुम हो नहीं कि तुम कोई करोड़पति हो या फिर तुम कोई अरबपति हो, भी तुम्हारे पीछे लड़कियाँ पागल हो रही हैं, समझ रहे हो? सो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है भाई, उसको छोड़ो और उसके साथ मतलब ये सब दूर रहो, और अपने जो घर वाले करवा रहे हैं उनसे करो। हालांकि प्यार अंधा लंगड़ा लूढ़ा सब होता है, बट प्रोविजंस भी तो समझो ना, एट द एंड ऑफ डे यार तुम्हें जीना भी तो है ना, लाइफ अच्छे से भी तो जीना है ना। अब तुमने शादी तो कर ली, लेकिन अब तुम भागे डोल रहे हो, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई सा केस, कभी कोई सा केस, बदनामी इधर की उधर की, भागना पड़ रहा है इधर उधर। इससे अच्छा भैया अपने घर वालों की उससे शादी करो, खुल के तो जियोगे यार, मतलब रोड पे निकलने से पहले ये तो नहीं सोचना पड़ेगा ना भाई ये है वो है, अब तुम उसको लेके भाग गए, उसके हस्बैंड भी कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, कल को उस लड़की का मूड बिगड़ गया, वो भी कुछ करेगी, एट द एंड ऑफ डे दिक्कत किसको की? लड़के को, इनका तो कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हो? प्रोविजंस को भी तो समझो ना। ठीक है, इस अंधे प्यार से बाहर आओ, रियलिटी में जियो, वेलकम टू रियलिटी। और कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो कमेंट, और हम आपका रिप्लाई दे देंगे। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, बाय।